5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। देवी की इस स्वरूप की कहानी और नाम के पीछे की कथा से लेकर हम आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र के बारे में भी बताएंगे, जिससे भक्तों पर उनकी कृपा बरसेगी। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बाकी जानकारी के लिए लोकल 18 ने काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से बातचीत की। सबसे पहले ये जानते हैं कि माता के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा अपने घंटियों की आवाज से ही असुरों का नाश कर देती हैं। यही वजह है कि जो भक्त माता के दर्शन करता है उसके सभी कष्ट माता दूर करती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पूजा का विधान है। माँ चंद्रघंटा के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, इस वजह से इनको चंद्रघंटा के नाम से कहा जाता है। जिन भी भक्तों को किसी भी वजह से दुश्मनों से डर लगता है तो पूजा से ये भय दूर हो जाता है। माँ हर तरह के भय और बाधा से मुक्ति दिलाती है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। माँ ने राक्षसों का वध किया था, इस वजह से विख्यात हुई थी। तो जितने भी राक्षसी शक्तियाँ हैं, दुष्ट शक्तियाँ हैं, उनका वध करने के लिए इनका पूजन किया जाता है। चंद्रघंटा देवी की उपासना करने से मस्तिष्क में शांति बनी रहती है और नई ऊर्जा का समावेश होता है। माँ दुर्गा के सभी रूप एक दूसरे से बेहद अलग हैं। माँ चंद्रघंटा की बात करें तो पुराणों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है। माता की सवारी शेर है और इनकी 10 भुजाएं हैं। चंद्रघंटा माँ अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए शक्ति का प्रमाण देती हैं। माता की कहानी तो आपने जान ली, पर क्या माँ चंद्रघंटा के एक खास मंत्र के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिससे माता रानी की उपासना की जा सकती है। तो माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्री शक्तय नमः। माता चंद्रघंटा के पूजा के समय इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। हम आपको ये बता देते हैं कि तीसरे दिन पूजा के दौरान माता चंद्रघंटा को पूजा में कौन से रंग के फूल चढ़ाए। देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को माँ के पसंदीदा रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। खास तौर पर माँ चंद्रघंटा को सफेद या लाल फूल चढ़ाए। आज के दिन सफेद वस्त्र पहने, इससे भी भक्तों पर माता की कृपा बरसती है। इस दिन देवी को भोग में सफेद बर्फी चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा नारियल और लाल चुनरी चढ़ाने से भी देवी प्रसन्न होती है। ये सफेद वस्त्र जो धारण की हुई हैं, इनको सफेद पुष्प की माला, सफेद भोज, इनको क्या कहते हैं, खीर का भोग लगाना चाहिए, दूध के बने हुए पकवान का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमको इनकी कृपा प्राप्त होती रहे। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि माँ चंद्रघंटा की क्या कथा है और इन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या किया जा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।